देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। अगर वो 10% का लाभ लेना चाहता है तो उसको कितने में बेचें? 20 रुपए में बेचने पर, यानी कि पहले का मूल्य निकालना होगा। बेच तो हो रहा है, उस पर 5% का होगा तो पहले का मूल्य निकालना है, तो पहले 100, और उसको 5% का लाभ चाहिए तो 105, 100 पर 5। और अब ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब उसको चाहता है कि वो 10% का लाभ ले, तो उसको लिए बेचना पड़ेगा, और उस बेचने बाद का मूल्य निकालने के लिए बाद में 100, 10% का लाभ के लिए 100 पे 10, 110। ये 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 की 22 से गुणा हुई तो 440/21। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42, 0.95, यानी कि उसको 20 रुपये 95 पैसे में बेचना पड़ेगा उसको, तब जाकर उसको 10% का लाभ होगा। देखिए, अगर हम इसको और भी छोटा करना चाहें तो और भी छोटा हो सकता है। यहाँ पर जब हमारा 100 से 100 कटना ही होता है ऊपर नीचे, तो क्यों ना इसको इधर ले आए, इसके बटे में ही कर देंगे इसको, तो 110 के बटे 105। अब हम इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसकी गुणा होने के बाद यही आ जाएगा, बटे में 21 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे, इतना आ गया। तो 10% लाभ चाहिए तो 20 रुपये 95 पैसे का बेचना होगा। देखिए, हमको पहले पहले का मूल्य निकालना है, तो पहले 100 आ जाएगा, बाद में हमको बाद का मूल्य निकालना, बाद में जब 100 से 100 कटना ही है तो उसको पहले ही स्किप कर देंगे ताकि हमको वो लेंथी ना हो, तो ये और भी शॉर्ट हो जाता है। देखिए, यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, अगर उसको 20% का लाभ लेना हो तो कितने रुपये में बेचेगा? यानी कि 480 रुपये में तो बेच रहा है, लेकिन उसको 20% की हानि हो रही है, लेकिन उसको चाहिए 20% का लाभ, तो कितने में बेचे? वही है कि 480 रुपये। पहले पहले का मूल्य निकालेंगे तो पहले 100 आ जाएगा, और बाद में वो वैल्यू आएगी, 20% की हानि है तो बाद में यानी कि 80 आ जाएगा, 20 की हानि हो रही है तो, और 20 का लाभ लेना है बाद का मूल्य, अब बाद का मूल्य निकालना है बेचने के लिए, तो बाद का मूल्य यानी कि बाद में 100 आएगा और ऊपर वैल्यू आ जाएगी, तो 20% का लाभ यानी कि 100 पर 20 का लाभ 120, 20 चौक 80, 20 छक्का 120, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 0 0, 12 छक्के 72, 720, यानी कि 720 रुपये में अगर अब वो उसको बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा।